इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे यूपी की राजनीति में कांग्रेस और सपा के बीच रार साफ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है और यूपी में बीजेपी को सपा अकेले ही हरा देगी। देखिए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है गठबंधन बनाए रखने। यहाँ कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है और हराएगी। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने एनडीए को बाहर करने का निर्णय ले लिया है और कोई दूसरा दल नहीं है। ये दिखाता है कि देश के जनमानस में 2024 में इस देश में कांग्रेस की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय ठान लिया है, एनडीए को बाहर करने का निर्णय कर लिया है। इसीलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग जिनको ये बात बखूबी समझ में आ रही है कि अगर कोई उनके साथ खड़ा है, उनके लिए काम करता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। वो भले ही पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करते हो, लेकिन कभी भी काम नहीं किया है। जाति जनगणना आज हम कांग्रेस पार्टी करा रही है, बिहार में हुई, उसका हमने स्वागत किया है। हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनको भागीदारी भी मिले, लेकिन दूसरे दलों ने सिर्फ और सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया, कभी उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया कांग्रेस। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे वो दिन याद है जब उस समय मुख्यमंत्री जो बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर दे तो दूसरे दलों से भी समर्थन मिल जाएगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बनाने का मौका दिया। तो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर किसी ने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक था जिसने समर्थन किया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में सपा के दिग्गज नेता और चार बार सांसद रहे रवि प्रकाश शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैंने करीब 20-25 साल पार्टी में काम किया है मैंने, और पार्टी को मैंने जमीन तक, इस झंडे को जो है साइकिल निशान को मैंने गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर घर में पहुंचाया है। जब ये दुर्दशा हम देख रहे थे तो हमें बहुत दिक्कत लग रही थी। हमने माननीय अध्यक्ष जी को बताने का प्रयास किया, पता नहीं किन कारणवश वो इसको संज्ञान ले नहीं पाए और अब यहाँ पर बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियाँ हमारे लिए बन रही हैं। तो इन हालात में मुझे बेहतर लगा कि मैं छुट्टी ले लूँ और अपना काम करूँ। बता दें कि रवि प्रकाश शर्मा को क्षेत्र में कुर्सी वोट बैंक का बड़ा चेहरा माना जाता है। वो सपा में महासचिव भी रहे हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सपा और कांग्रेस के बीच की तकरार से इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट साफ दिखाई दे रही है और साथ ही पार्टी के बड़े चेहरे का कांग्रेस में शामिल होना सपा के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये आने वाले चुनाव में ही पता चल सकेगा।